हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज की इस वीडियो में हम लोग द रेबल पोएट लेसन पढ़ने वाले हैं। यह बटरफ्लाई का लेसन 7 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द रेबल पोएट। तो रेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? रेबल का मतलब होता है विद्रोही, द्रोही। और पोएट का मतलब कवि, ठीक है। तो इस पाठ का नाम है विद्रोही कवि। लेट्स बिगिन। लेट्स सिंग अप सिंग एन इंस्पायरिंग सॉन्ग टुगेदर। टुगेदर का मतलब है साथ में, इंस्पायरिंग का मतलब है प्रेरित, ठीक है, जो प्रेरणा प्रदान करती है। तो आइए एक साथ मिलकर इस प्रेरणा प्रदान करने वाली गीत को गाते हैं। तो यह गीत आपने अवश्य सुना होगा, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आपने इस संगीत को अवश्य सुना होगा। तो यह जो गीत है वह मुख्य रूप से लोगों में प्रेरणा भरती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कि हमें अपने गोल को पाने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, ठीक है। आइए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। परंतु उससे पहले यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे होंगे, तो इसे आप ध्यान से देख ले, क्योंकि इस पाठ में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यह जो पूरा पाठ है द रेबल पोएट, यह इन्हीं पर आधारित है। तो आइए हम जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो लेट्स रीड, पढ़ना शुरू करते हैं। प्रीतम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। प्रीतम जो है वो क्लास 5 का स्टूडेंट है। He returns, returns का मतलब वापस आना, ठीक है, वापस आना। He returns home from school, वह स्कूल से घर वापस आया। All excited, excited का मतलब होता है उत्तेजित, उत्तेजित, ठीक है, बहुत ही उत्तेजित होकर वह स्कूल से घर वापस आया। He find his father रीडिंग अ न्यूज़पेपर। उसने देखा कि उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर डायलॉग स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले प्रीतम बोलता है, फादर गेस व्हाट हैपेंड टुडे। पिताजी गेस कीजिए आज क्या हुआ, ठीक है, टुडे यानी आज, व्हाट हैपेंड, ठीक है, यानी कि क्या हुआ। उसके पिताजी कहते हैं व्हाट डियर, व्हाट यानी क्या। तो फिर प्रीतम बोलता है, आवर टीचर हैज आस्क्ड अस टू सिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग ऑन द रिपब्लिक डे। टीचर यानी शिक्षक, ठीक है, टीचर यानी शिक्षक, ठीक है, हैज आस्क्ड अस, अस यानी हमसे, टू सिंग, सिंग यानी गाने को कहा, ठीक है, गाने। अब पैट्रियोटिक, पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्तिपूर्ण, पैट्रियोटिक, ठीक है, पैट्रियोटिक यानी देश भक्ति पूर्ण, ठीक है, यानी ऐसा संगीत जिसमें देशभक्ति की भावना हो, और सॉन्ग यानी गाना। ऑन द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस,
यानी कि हमारे शिक्षक ने हमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक देशभक्तिपूर्ण गाना गाने के लिए कहा है। तो पिताजी कहते हैं, फादर कहते हैं, विच सॉन्ग आर यू गोइंग टू सिंग सन, तुम कौन सा गाना गाने वाले हो बेटे। तो प्रीतम कहता है, मैडम सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग करार ओई लोहा कपात। ठीक है, करार ओई लोहा कपात, ठीक है, ये इस गाने का नाम है, करार ओई लोहा कपात। तो प्रीतम बोलता है कि मैडम ने हमें सजेस्ट किया है, सजेस्ट यानी सलाह देना, मैडम ने हमें सलाह दिया है दैट कि वी शुड सिंग, हमें गाना चाहिए करार ओई लोहा कपात। ठीक है, तो इस पे उसके पापा कहते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, नो यानी जानना, डू यू नो हु हैज रिटेन, रिटेन यानी लिखना, लिखे हैं द सॉन्ग, प्रीतम ये जो गाना है करार ओई लोहा कपात ये किसने लिखा है, क्या तुम जानते हो प्रीतम। प्रीतम कहता है, नो फादर, नहीं पिताजी। तो उसके फादर कहते हैं, ही इज आवर ग्रेट पोएट, आवर यानी हमारे, ग्रेट यानी महान, पोएट का मतलब मैंने आपको बताया ही था, कवि, ये हमारे महान कवि हैं। नाम क्या है इनका, काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, काजी नजरुल इस्लाम, ठीक है, द ऑथर ऑफ द फेमस पोयम विद्रोही। ठीक है, द ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक, ऑफ द फेमस, फेमस यानी प्रसिद्ध, सिद्ध पोयम यानी कविता, विद्रोही, ठीक है, विद्रोही। तो जो काजी नजरुल इस्लाम जी है वो विद्रोही, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, उसके लेखक हैं। ठीक है, यानी कि काजी नजरुल इस्लाम जी ने ही करार ओई लोह कपात नामक कविता भी लिखा है। ठीक है, उस गाने को भी लिखा है। तो फिर प्रीतम कहता है, विल यू टेल मी मोर अबाउट हिम, क्या आप मुझे उनके बारे में और अधिक बताएंगे, मोर यानी अधिक, अबाउट, अबाउट यानी के बारे में। ठीक है, तो पिताजी कहते हैं, He was born at a time when India was under the British rule. ठीक है, पिताजी बताते हैं कि उनका जन्म, born यानी जन्म, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था, जब इंडिया जो था वो अंग्रेजी सरकार के अधीन था, ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजी सरकार। ठीक है, यानी जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय काजी नजरुल इस्लाम जी का जन्म हुआ था। थ्रू हिज राइटिंग, उनके लेखन के द्वारा, ही इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित करना, ठीक है, IRED, इंस्पायर्ड यानी प्रेरित करना, प्रेरणा देना, द इंडियन यूथ, इंडियन यानी भारतीय, यूथ यानी युवा, ठीक है, वे भारतीय युवा जो थे उसे प्रेरित करते थे, बोल्डली फाइट फॉर द फ्रीडम,
ठीक है, फिर से बताती हूँ. थ्रू हिज राइटिंग ही इंस्पायर्ड द इंडियन यूथ टू बोल्डली फाइट फॉर द फ्रीडम. वे अपने लेखन के द्वारा जो भारतीय युवा थे, लड़के थे, उनको आजादी के लिए, फ्रीडम यानी आजादी, फ्रीडम यानी आजादी, आजादी के लिए साहस पूर्वक लड़ने की प्रेरणा देते थे. फाइट यानी लड़ने या लड़ाई. ठीक है, ठीक. तो प्रीतम पूछता है, When was he born, father? When यानी कब, पिताजी उनका जन्म कब हुआ था. तो पिताजी बताते हैं, He was born on 24th May 1899 in the village of Churlia. विलेज यानी गांव. ठीक है, उनका जन्म जो है 24 मई यानी 24 मई 1899 को चुरलिया नामक गांव में हुआ था. अच्छा, अब ये चुरलिया कहाँ है, देखो. दिस वॉज नियर आसनसोल. यह आसनसोल के पास में है. नियर यानी पास. ठीक है, नियर का मतलब होता है पास. आसनसोल के पास में है. इन द बर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड बंगाल. ठीक है, अविभाजित. अनडिवाइडेड का मतलब होता है अविभाजित. ठीक है, यानी जिसके, जिसका विभाजन ना हुआ हो या फिर जिसे तोड़ा ना गया हो. ठीक है, अनडिवाइडेड यानी अविभाजित. काजी नजरुल इस्लाम साहब का जन्म जो है वो अविभाजित बंगाल में, अविभाजित बंगाल के बर्दवान डिस्ट्रिक्ट के चुरलिया नामक गांव में 24 मई 1899 को हुआ था. ठीक है, एज ए चाइल्ड ही वॉज अट्रैक्टेड टू द फोक थिएटर एंड लेटर रोट मैनी फोक प्लेज लाइक दाताकर्ण एंड कभी कालिदास. ठीक है, क्या बताए हैं कि एज ए चाइल्ड, बच्चे के रूप में, ही वॉज अट्रैक्टेड. अट्रैक्टेड का मतलब होता है आकर्षित, आकर्षित. कहाँ आकर्षित हुए थे, टू फोक. फोक यानी होता है लोक नृत्य. ठीक है, फोक का मतलब होता है लोक और थिएटर का मतलब होता है रंगमंच, यहां पर नाटक खेला जाता है. ठीक है, रंगमंच. तो जब वो बच्चे थे तभी से उन्हें जो रंगमंच थे उनके तरफ आकर्षित हुए थे. और लेटर, लेटर यानी बाद में. ठीक है, बाद में रोट, रोट यानी लिखा. बहुत सारे लोक नाटक, प्लेज का मतलब होता है नाटक. उन्होंने बहुत सारे लोक नाटक लिखा. जैसे क्या नाम था उनके नाटकों का, दाता कर्ण. ठीक है, और कवि कालिदास. ठीक है, कवि कालिदास. ठीक है, तो प्रीतम कहता है दैट इज इंटरेस्टिंग, यह तो बहुत रोचक है. तो फिर पिताजी बताते हैं, इन 1910 में नजरुल मेट द रिवोल्यूशनरी. रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी. निवारण चंद घटक. ठीक है, निवारण, निवारण. ठीक है, यहां लिख देती हूं, निवारण चंद्र घटक. ठीक है, हु वॉज हिज टीचर, जो उनके शिक्षक थे. तो क्या कहा गया है कि 1910 में नजरुल जी है वो एक क्रांतिकारी व्यक्ति निवारण चंद घटक से मिले, जो कि उनके शिक्षक थे. ठीक है, यानी निवारण चंद्र घटक उनके टीचर थे नजरुल जी के. द पोएट कुमुद रंजन मलिक. कुमुद रंजन मलिक वॉज द हेडमास्टर ऑफ
स्कूल नजरुल ज्वाइंड नेक्स्ट, और उसके बाद जो स्कूल उन्होंने, जिस स्कूल में उन्होंने भर्ती लिया, उस स्कूल के कुमुद रंजन मलिक जी हेडमास्टर थे, जो कि एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है उसका ये टेक्स्ट है, जिसमें काजी नजरुल इस्लाम साहब जी के बचपन के बारे में बतलाया गया है। आइए हम आगे देखते हैं। आप यहाँ पर एक्टिविटी वन देख सकते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है एक्टिविटी वन में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो दिया गया है, इस सेंटेंस को टेक्स्ट के आधार पर आपको कंप्लीट करना है। तो ए नंबर देखते हैं, प्रीतम वाज टू सिंग द सॉन्ग। प्रीतम को कौन सा सॉन्ग गाना था, करारोई लोहे कपात, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे करार ओई लोहा कपात, ठीक है। यही सॉन्ग गाने के लिए टीचर ने सजेस्ट किया था ना। इसके बाद देखिए बी नंबर, नजरुल वाज बोर्न इन, नजरुल का जन्म किस गांव में हुआ था वो बताना है, ठीक है। इन दी विलेज ऑफ चुरलिया, चुरलिया, ठीक है। इसके बाद तीसरा सी नंबर, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट इज इन, उस समय जो बर्दवान था वो, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट था वो कहाँ पड़ता था, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में अभी भी पड़ता है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक्टिविटी टू, जो कि क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। एक्टिविटी टू क्या है, क्वेश्चन आंसर है, आइए हम लोग देखते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहला प्रश्न देखते हैं, ए नंबर, वॉज इंडिया इंडिपेंडेंट व्हेन नजरुल वॉज बॉर्न। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब नजरुल साहब का जन्म हुआ था क्या उस समय भारत आजाद था। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र होना, तो क्या जिस समय नजरुल जी का जन्म हुआ था उस समय भारत आजाद था, तो हम लोगों ने पढ़ा था, नहीं वो तो अंडर ब्रिटिश रूल में था। तो हम लिखेंगे नो, नजरुल एन ए जेड आर यू एल नजरुल वॉज बॉर्न When India was under the British rule, BRITISH, British rule, जब अंग्रेजों का शासन था उस समय नजरुल साहब का जन्म हुआ था, ठीक है। बी नंबर देखते हैं, नेम सम ऑफ फोक प्लेस दैट यंग नजरुल हैड रिटेन। उन कुछ नाटकों के नाम बताओ जो नजरुल साहब ने लिखा था जब वो छोटे थे। तो उन्होंने दो लिखा था ना, दाता कर्ण और कभी कालिदास, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग, यंग नजरुल हैज हैड रिटेन दाता कर्ण एंड कालिदास एंड अभी कालिदास, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज नजरुल्स टीचर, नजरुल के टीचर कौन थे। तो नजरुल के टीचर कौन थे, निर्बान चंद्र घ,
घटक, ठीक है, निवारण चंद्र घटक, निवारण चंद्र घटक वॉज नजरूल, नजरूल्स एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, नजरूल्स टीचर, एक सेकेंड, एक मिनट, नजरूल्स टीचर, हाँ TEACHER, ठीक है, नजरूल्स, नजरूल में एपोस्ट्रोफी एस है, नजरूल्स टीचर, ठीक है। इसके बाद डी नंबर, हु वॉज कुमुद रंजन मलिक, कुमुद रंजन मलिक कौन थे, तो डी नंबर का आंसर लिखते हैं, कुमुद रंजन, एक सेकंड, आर ए एन जे ए एन, कुमुद रंजन मलिक वॉज ए, तो कभी भी थे ना, तो वॉज ए, जिससे नजरुल साहब काफी प्रभावित थे, वॉज ए पोएट एंड एंड ही वॉज द, he was the head master of Najrul, ठीक है, तो वो हेडमास्टर भी थे नजरुल साहब के। तो ये यहां पर जो है वो फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। इसी चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।